हेलो गाइस, तो आज हम मे बिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है मे की। मे के प्यार में थाईलैंड का सबसे अमीर आदमी पड़ता है, लेकिन मे का रिलेशन एक डेडली कोबरा के साथ है। तो मे और उस अमीर आदमी के रिलेशन का क्या होता है, इसे ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है अंकल टीम से। वो रात में जंगल में थे, तब उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखती है। अंकल टीम उसके पीछे जाकर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करती है। तभी उसके पेट पर कोबरा का सिंबल आता है और वहाँ पे बहुत बड़ा कोबरा भी आता है। इस सीन का मीनिंग आपको आगे पता चलेगा। फिर हम बैंकॉक में भूमि को देखते हैं। वो कंपनी में जाते वक्त मे को कॉल करता है। दरअसल भूमि का बॉस पुराना थाई ट्रेडिशनल वाला घर खरीदना चाहता है और मे के पास वैसा ही घर है, इसलिए मे भूमि और उसके बॉस को मिलने बुलाती है। उसके बाद भूमि उसके कंपनी में पहुंच जाता है। भूमि के फादर डायरेक्ट वहीं पे काम करते हैं और यह है उन दोनों का बॉस चनाचोल। चनाचोल के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, मतलब सब कुछ है, फिर भी उसे अधूरा अधूरा लग रहा है, इसलिए चनाचोल थाई ट्रेडिशनल वाला पुराना घर लेना चाहता है। संडे के दिन भूमि चनाचोल को मे का घर दिखाने ले आता है। चनाचोल को मे का घर बहुत पसंद आता है, वो ऐसा ही घर खरीदना चाहता था। भूमि का मे के नौकरानी के साथ सेटिंग हो जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है। हम फिर से अंकल टीम को देखते हैं। अंकल टीम मे के लिए काम करते हैं। उसके बाद मे चनाचोल को उसका गार्डन दिखा रही थी। चनाचोल को मे का घर बहुत पसंद आया था, लेकिन मे उसका घर बेचना नहीं चाहती। तभी उसे बुलाने भूमि आता है, क्योंकि उनका जाने का टाइम हो गया था। चनाचोल फिर से मे से मिलना चाहता है, तो भूमि कहता है कि वो उसकी मीटिंग फिर से अरेंज करवा देगा। मे जब कमरे में आती है, तब ऑटोमेटिक म्यूजिक स्टार्ट होता है। इससे मैं समझ जाती है कि उसका सांप कमरे में ही है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे उसका कॉलेज फ्रेंड फोट आता है और वो मे के साथ इंटीमेट होने लगता है। मे के सांप को शायद ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो सांप बहुत डेंजरस आवाज़ कर रहा था, तो मे का काम बीच में ही रुक जाता है। फोर्ट को मे का सांप बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो मे के सांप से बहुत नफरत करता है। दूसरी तरफ चनाचोल उसके घर आता है। चनाचोल की वाइफ का नाम है केव और उन दोनों को एक बेटी भी है। चनाचोल केव को बताता है कि उसे घर बहुत पसंद आया, लेकिन घर का ओनर घर को बेचना नहीं चाहता। रात को फोर्ट और मे उनका बचा हुआ काम पूरा करते हैं। तो फोर्ट मे से कहता है कि वो उसके सांप को मार देगा, लेकिन मे उसे मना करती है और वो फोर्ट को उसके सांप से दूर रहने के लिए वार्न करती है। चनाचोल फिर से मे से मिलना चाहता है, इसलिए भूमि मे को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, लेकिन उल्टा मे उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। भूमि से चनाचोल को पता चलता है कि मे के अभी तक शादी नहीं हुई, तो चनाचोल पूछता है कि क्यों नहीं हुई। तो भूमि कहता है कि उसे प्यार करने वाला जिंदा नहीं रहता। चनाचोल इस बात को सीरियसली नहीं लेता। दरअसल भूमि मे के सांप के बारे में जानता है। जो भी मे के करीब आता है, वो सांप उसे मार देता है। उस सांप ने अभी तक मे के बहुत सारे लवर्स को मार दिया, इसलिए मे के अभी तक शादी नहीं हुई। रात को भूमि और चनाचोल मे के घर आते हैं। भूमि वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि कंपनी में उसकी मीटिंग है। उसका बॉस यहाँ पे है, इसलिए मीटिंग उसे ही हैंडल करनी पड़ेगी। उसके बाद चनाचोल और मे बातें करते हैं। मे उसका घर तो बेचना नहीं चाहती, लेकिन वो चनाचोल के लिए उसके पड़ोस वाले घर उसे दिखा सकती है। ऐसे उनमें बातें चल रही थी, तभी मे को फोर्ट का फोन आता है। फोर्ट मे से मिलना चाहता है, लेकिन मे के पास मेहमान आए थे, इसलिए वो फोर्ट को अगले दिन बुलाती है। फोर्ट समझ रहा था कि मे उसके सांप के साथ है, इसलिए वो उसे नहीं मिल रही। तो फोर्ट उसके आदमियों को मे के सांप को मार डालने भेजता है। दूसरी तरफ भूमि की मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसके सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो जाता है। जंगल में फोर्ट के आदमी सांप को मारने आए थे,
तब उन्हें वही लड़की दिखती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उस लड़की की खूबसूरती देखकर उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता। वो दोनों उस लड़की के पीछे जाते ही सांप उन दोनों को मार डालता है और तीसरा आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। मैं का सांप कोई आम सांप नहीं होता, वो बाकी सांपों से बहुत बड़ा है और उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी है। जब भी वो सांप मैं के घर आता है तब वहाँ की मूर्तियाँ अपने आप हिलती है और म्यूजिक भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हमने जिस लड़की को देखा था वो उस सांप का इंसानी रूप है। दूसरी तरफ मैं और चनाचोल बहुत करीब आते हैं और उनमें किसिंग होने लगती है। तभी चनाचोल को घर से फोन आता है इसलिए उसे जाना पड़ता है। चनाचोल इस तरह से बीच में चला गया इसलिए मैं फोर्ट को बुलाती है। जाने से पहले फोर्ट उसका बेटा और उसकी वाइफ से मिलता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि फोर्ट की शादी हो चुकी है और वो मैं के साथ रिलेशन रखकर उसकी वाइफ को धोखा दे रहा है। फोर्ट मैं के पास आते ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। चनाचोल कल रात को ही मैं से मिला था, अब वो फिर से मैं से मिलना चाहता है। इसका मतलब चनाचोल अब मैं के प्यार में पड़ चुका है। वो मैं के पास जाते वक्त ऑफिस के उसके सारे काम भूमि को करने बोलता है। मैं जब अंकल टीम से मिलती है तब उसे पता चलता है कि उसके सांप ने फोर्ट के दो आदमियों को मार डाला। दूसरी तरफ फोर्ट उसके आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने सांप को मारने बोला था ना, वही वो आदमी उस सांप की वजह से इतना डर गया था कि उसने उसकी गुंडागिरी छोड़कर अब वो संन्यास ले चुका है। ये देखकर फोर्ट को बिल्कुल यकीन नहीं होता। चनाचोल मैं के घर आता है। आज मैं का प्लान है कि वो चनाचोल को उसके पड़ोस के घर दिखाएगी। अगर उनमें से चनाचोल को कोई घर पसंद आया तो वो उसे खरीद सकता है। मैं जब उसे घर दिखाने जा रही थी तभी उसे पेड़ पर उसका सांप दिखता है। मेरे को लग रहा था कि वो सांप चनाचोल पर अटैक करेगा, इसी चक्कर में वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वो सांप चनाचोल पर अटैक नहीं करता। फिर वो दोनों वापस मेरे के घर आते हैं। चनाचोल को मेरे का घर और वहाँ का माहौल बहुत पीसफुल लगता है। तब चनाचोल मेरे को उसके बारे में बता रहा था कि वो अडॉप्टेड है। ऐसे ही उनमें बातें चल रही थी। फिर चनाचोल वहीं पे सो जाता है। तब चनाचोल बहुत अच्छा सपना देखता है। चनाचोल के सपने के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। केव चनाचोल से बात करना चाहती थी लेकिन चनाचोल का फोन नहीं लगता क्योंकि उसका फोन पानी में गिर गया था। तो केव भूमि को फोन लगाती है। भूमि झूठ बोलता है कि चनाचोल मीटिंग में है। भूमि जानता है कि चनाचोल कहाँ पे है लेकिन वो केव को सच नहीं बता सकता। केव चनाचोल का खाने के लिए वेट कर रही थी। दूसरी तरफ चनाचोल मे के साथ खाना खाते हुए बहुत मजे कर रहा था। केव फिर से भूमि को कॉल करती है चनाचोल से बात करने के लिए। भूमि फिर से उसे झूठ बोलता है। खाना खाने के बाद मेरे को लग रहा था कि चनाचोल अब चला जाएगा लेकिन चनाचोल एक रात के लिए वहीं पे रुकना चाहता है। मैं उसे याद दिलाती है कि उसकी शादी हो चुकी है इसलिए अब उसे जाना चाहिए। लेकिन चनाचोल को उसकी फैमिली की कोई फिक्र नहीं होती तो मैं उसके सोने का वहीं पे इंतजाम करती है। क्योंकि बहुत फोन आने की वजह से भूमि चनाचोल को लेने आया था। तब उसे रिसीव करने मैं की नौकरानी आती है। फिर वो दोनों लॉज पे जाके इंटीमेट हो रहे थे। तब फिर से भूमि को केव का फोन आता है और भूमि फिर से उसे झूठ बोलता है। रात को चनाचोल फिर से सपना देखता है। चनाचोल उठने के बाद वो मैं को उसके सांप से बात करते हुए देख लेता है। मैं आपको बता दूँ चनाचोल मैं और उसके सांप के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसके सांप से बात कर रही थी तब हमें उस सांप का नाम पता चलता है। उसका नाम है यू। यू चनाचोल को देखते ही उसे मारने आती है लेकिन मैं यू को वहाँ से चले जाने बोलती है। चनाचोल जानना चाहता है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है लेकिन मैं उसे नहीं बताती। चनाचोल बार बार यही पूछता है। फिर वो मैं को किस करते हुए इंटीमेट होने लगता है। उन दोनों के इंटीमेट होने की वजह से यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का होने के बाद मैं उसे यू की पूरी स्टोरी सुनाती है। जब मैं 6 साल की थी तभी वो पहली बार यू से मिली। पहले यू मैं की माँ का ख्याल रखती थी, उसके बाद यू मैं का ख्याल रखने लगी। फिर मैं को बैंकॉक के बोर्डिंग स्कूल में डाला गया। कुछ सालों के बाद मैं के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। 10 सालों के बाद मैं फिर से उसके घर आती है।
तभी यू फिर से उसे मिलती है। तब से यू मे का उसकी माँ की तरह ख्याल रख रही है। सिंपल में बताऊँ तो मे यू की बॉडीगार्ड है। मे यू की स्टोरी किसी को नहीं बताती, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद सब लोग मे को पागल समझेंगे। फिर चनाचोल भी उसे बताता है कि जब से उसे पता चला कि वो अनाथ है, तब से वो उसके असली माँ बाप को ढूंढ रहा है, वो उनसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ वो मियाँ भी नौकरानी के साथ मजे कर रहा था। अगले मॉर्निंग में चनाचोल जंगल में मे को प्रपोज कर रहा था। वो मे को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। फिर उन दोनों में किसिंग होने लगती है। तभी मे को ऊपर यू दिखती है। यू उनके बीच में आकर उन्हें अलग करती है। चनाचोल के पास अंगल टीम की तलवार होती है। वो उसे तलवार से दो बार यू पर अटैक करता है और यू डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मैं और अंकल टीम चनाचोल को वहाँ से निकालते हैं। जाते हुए अंकल टीम चनाचोल को सजेस्ट करते हैं कि उसे यहाँ पे फिर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोबरा उनके बदले को कभी नहीं भूलते। लेकिन चनाचोल उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। चनाचोल को वहाँ पे लेने भूमि आया था। फाइनली चनाचोल उसके घर आ जाता है। वो उसके बेटे और वाइफ से मिलकर फिर से मीटिंग का झूठा बहाना बनाकर वो मे के पास आने लगता है। मे से मिलने फोर्ट आया था। फोर्ट इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि मैं उसकी वाइफ है, मतलब वो एक तरह से मे पर हक जता रहा था। ये मे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो फोर्ट को दो चार बातें सुनाती है। ये सुनकर फोर्ट गुस्से में आता है और वो मे और उसके सांप को मार डालने की धमकी दे के जाता है। फोर्ट के जाने के बाद वहाँ पे चनाचोल आता है। मैं उसके साथ थोड़ी बातें करके उसके ऑफिस जाती है। कंपनी में डेरेक उसका प्लान स्टार्ट करता है। डेरेक का प्लान है कि चनाचोल और केव का डिवोर्स करवा के कंपनी खुद के नाम कर लेना। डेरेक भूमि को बोलता है कि केव को चनाचोल के अफेयर के बारे में बता दो, तो भूमि उसे मैसेज करता है। फिर केव का फोन आने पर डेरेक सारी सच्चाई बताता है। यह सब सुनकर केव पूरी तरीके से टूट जाती है। ये सारा प्लान डेरेक का है और उसके प्लान में शामिल होना भूमि को बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में पागल फोर्ट यू को मारने आता है। वो दो बार यू को शूट करता है लेकिन यू को कुछ नहीं होता। फिर यू उस पर अटैक करके उसे मार देती है। मैं उसके ऑफिस में आते ही उसे केव मिलती है। तब केव उसे बहुत बातें सुना के जाती है। मैं जब फोर्ट के फ्यूनरल पे आती है तब उसे फोर्ट के मरने की वजह से बहुत बुरा लग रहा था। अब केव को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो चनाचोल से डिवोर्स लेना चाहती है। मतलब डेरेक का प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है। केव आखिरी बार चनाचोल से मिलना चाहती है तो भूमि उसे मिलवा देगा। चनाचोल जब मे के घर सोया था तब वो फिर से सपना देखता है और इस बार वो सपने में अंकल टीम को देखता है। तभी वो उठ के अंकल टीम से मिलने जाता है। वो अंकल टीम को बताता है कि उसने अब तक सपने में क्या क्या देखा। सपने में जो उसने छोटा बच्चा देखा था वो बचपन का चनाचोल है और ये दोनों उसके माँ बाप। चनाचोल की माँ का पैसों के लिए मे के फादर के साथ अफेयर चल रहा था। उनका अफेयर बहुत दिनों तक चलता है। फिर एक दिन मे के माँ से ये सह नहीं जाता, इसलिए वो चनाचोल की फैमिली को उसके घर से निकाल देती है। तब बोट से जाते हुए मौसम बहुत खराब था, इस वजह से उनकी बोट पलट जाती है। चनाचोल के माँ बाप चनाचोल को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी में डूब के मारे जाते हैं। अंकल टीम चनाचोल के माँ का भाई है, मतलब अंकल टीम चनाचोल का मामा है। चनाचोल बचपन में मे के घर था, इसलिए उसे बार बार वहाँ पे आने का मन करता है। चनाचोल अब समझ जाता है कि अंकल टीम उसका मामा है। ये बात वो अंकल टीम को बताने ही वाला था तभी वहाँ पे मे आती है और वो चनाचोल को वहाँ से जाने बोलती है, क्योंकि अगर यू ने उसे देख लिया तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। चनाचोल मे को उसके सपने के बारे में समझा रहा था लेकिन मे उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वापी यू आती है। यू चनाचोल को देखते ही उसे जकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन मे यू को चनाचोल की जान नहीं लेने देती। वो यू को बताती है कि वो चनाचोल से प्यार करती है, अगर चनाचोल मर गया तो वो भी मर जाएगी। ये सुनकर यू के आंखों में भी पानी आता है तो वो चनाचोल को छोड़ देती है। दूसरी तरफ भूमि केव को नदी के पास लेके आता है। नदी के उस पार मे का घर है और केव वहाँ पे चनाचोल की गाड़ी देख के वो समझ जाती है कि चनाचोल यहीं पे है।
कि वो अब चनाचोल से मिलना नहीं चाहती। चनाचोल ने उसे धोखा दिया तो अब केव भी उसे धोखा देगी, मतलब अब केव भूमि के साथ अफेयर स्टार्ट करती है। चनाचोल अभी भी मई के घर में ही था। वो उसके माँ बाप को याद करते हुए दुखी हो रहा था। उसके बाद चनाचोल मई को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। मैं उसके काम के लिए चाइना जा रही है। मैं चनाचोल को कहती है कि वो जल्दी ही वापस आएगी, लेकिन चनाचोल को नहीं लगता कि मैं उसके पास वापस आएगी। उसके बाद चनाचोल उसके घर आता है, तब वह भूमि और केव की रासलीला देखकर बहुत शौक हो जाता है। चनाचोल को देखकर केव पागल की तरह हंस रही थी और भूमि को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। पहले जब केव को पता चला कि चनाचोल उसे धोखा दे रहा है, तब उसे बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे अब चनाचोल को लग रहा है। चनाचोल वहां से जाते वक्त हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब चनाचोल उसके फैमिली के साथ नदी में गिरा था, तब उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के कहने पर डेरेक ने चनाचोल को बचा लिया था। फिर चनाचोल बड़ा होने के बाद उसके पेरेंट्स उनकी कंपनी चनाचोल के नाम करते हैं, और ये बात डेरेक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उन दोनों को मरवा देता है। तभी से डेरेक चनाचोल की कंपनी खुद के नाम करने की कोशिश कर रहा था। चनाचोल फिर से अंकल टिम के पास आता है, तब चनाचोल उन्हें बताता है कि वह उसका भतीजा है जो पानी में गिर गया था। यह सुनकर अंकल टिम को बहुत खुशी होती है। फिर वो चनाचोल को बताता है कि जब उसके माँ बाप पानी में गिर गए थे, तब उन्हें यू ने मारा था, क्योंकि उसके माँ बाप की वजह से मे की फैमिली टूट गई, और मे के बाप को भी यू ने ही मारा क्योंकि वो मे की माँ को धोखा दे रहा था। एंड में मे की माँ यू का जहर पीकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसका पति मर गया, लेकिन वो मरने से पहले यू को मे का ख्याल रखने बोलती है। मे के माँ बाप को यू ने मारा ये मे को भी पता नहीं होता। मैं समझ रही थी कि उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, ये सच्चाई सिर्फ अंकल टिम को ही पता होती है। अब ये सब कुछ चनाचोल को भी पता चल चुका है। वो वहाँ से जा रहा था तभी उसके सामने यू आती है, लेकिन अब चनाचोल मरने से नहीं डरता क्योंकि वह स्टार्टिंग से उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहता था, और अब वो सब कुछ जान चुका है। वो जिस लड़की से प्यार करता था अब वो भी उससे दूर चली गई, और केव भी उसे धोखा दे रही है, इसलिए चनाचोल इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहता, तो यू उसे मार डालती है। फिर 2 सालों के बाद भूमि उसके बिजनेस पार्टनर को मे से मिलवाने लाता है, तब भूमि उसे देखकर समझ जाता है कि यह भी मे के प्यार में पड़ेगा और यू उसे मार देगी। इस तरह से यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।